जीएसटी कम नहीं हुआ तो सड़क से संसद तक होगा जूता व्यापारियों का आंदोलन। इन्हीं बातों को करते हुए दी आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन आगामी 2 सितंबर को जयपुर हाउस स्थित श्रीराम पार्क में महासभा आयोजित करने जा रही है, जिसमें 5000 से अधिक जूता व्यापारी दस्तकार सहित देश के लगभग 26 प्रांतों के अखिल भारतीय जूता संघ के पदाधिकारी भाग लेंगे। आगरा फैक्टर्स शू फेडरेशन के हींग की मंडी स्थित कार्यालय पर आयोजित आमंत्रण पत्र विमोचन कार्यक्रम व आम सभा में फेडरेशन के अध्यक्ष विजय सामा ने महासभा की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने जूते पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% नहीं की तो सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन होगा। जूता उद्योग से जुड़े विभिन्न संगठनों द्वारा सम्मिलित रूप से अखिल भारतीय जूता व्यापारी संगठन बनाया गया है। इसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, असम से लेकर महाराष्ट्र तक विभिन्न प्रांतों के पदाधिकारी 2 सितंबर को श्रीराम पार्क जयपुर हाउस में एकत्रित होंगे। महासभा के माध्यम से अपनी मांग को हम सरकार तक पहुंचाएंगे। नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति के माध्यम से 12% जीएसटी होने पर कारीगरों की दयनीय स्थिति को सामने लाने का प्रयास किया जाएगा। कई कारीगरों द्वारा आत्महत्या कर ली गई। शहर के लगभग 3 लाख परिवार जूता व्यापार से जुड़े हैं। हमें जूता उद्योग के पुराने दौर को लौटा कर लाना है। बताया कि महासभा में दी आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन, सोल एसोसिएशन, कुटीर उद्योग ट्रेडर्स, नेशनल चैम्बर, सभी दस्तकार, जाटव महापंचायतों, सभी वे लोग जो जूता व्यवसाय से जुड़े हैं महासभा में भाग लेंगे। हम सब की जो मांग है वो हमारी मांग नहीं है, वो हमारी जरूरत है, क्योंकि आज हमारी रोटी पर संकट आ चुका है और ये वो संकट है जिसके लिए हमारे को आज एक सुर में केंद्र सरकार से 9 सितंबर को जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है कि जीएसटी 12% से 5% हो, जो पहले भी था, पर जनवरी 2022 हम सबके लिए काला दिन था जिस दिन 5% से 12% कर दिया गया। जैसा कि सभी को विदित है, जूते पे 5 से 12% टैक्स कर दिया गया और केंद्र सरकार ने मंशा के तहत इसको लग्जरी आइटम मानते हुए 12% टैक्स किया है। कोई मान सकता है कि जूता चप्पल, जो गरीब आदमी पैर में चप्पल पहनता है या आम आदमी जो जूता पहनता है उसको लग्जरी माना जा सकता है? विलासिता की वस्तु है। इस पे हम सब इस चीज का पुरजोर विरोध करते हैं और पूरा चैम्बर इसका पुरजोर विरोध करता है कि जूते पे 12% टैक्स लगाया जो है। उस पे हम मांग करते हैं कि इस पे 5% टैक्स होना चाहिए। हर हाल में इस पर 5% टैक्स होना चाहिए। यदि 5% टैक्स नहीं होता है तो जूते की हालत आगरा में निरंतर बिगड़ती जा रही है, उसकी स्थिति और खराब होगी। जीएसटी के स्लैब के विरोध जो कर रहे हैं हमारी फेडरेशन, उसके लिए हमको आगे आना पड़ा है हमारे अध्यक्ष जी को, समझे? तो इसका आप ये है कि एक अरविंद राय बच्चन का लेख है कि यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम जो है कोशिश कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी कोशिश कर रहे हैं और इस स्लैब को हम कम करा के रहेंगे और सरकार से हमारी विनती है कि ये स्लैब हमारे लिए कम करे, क्योंकि हम कुटीर और वैसे लोग हैं, कमजोर लोग हैं, इसमें स्लैब के अंदर हमारी परेशानी है, तो इस स्लैब को कम करे सरकार हमारी। मुस्लिम समाज से ताहिर कुरैशी, उस्मान कुरैशी ने मंटोला व ढोली खान बाजार से सम्मिलित होने का वादा किया। जो हमारे आगरा शू फैक्टर फेडरेशन के आह्वान पर पूरे देश में जो टैक्स हमारे पर 12% लगाया गया है उसको कम करने के लिए 5% टैक्स की जो मांग की जा रही है, उसके लिए हम लोग 2 तारीख को एक महासभा करने जा रहे हैं। उस महासभा में हमारे जाट समाज के जितने भी संगठनों ने समय तय किया है कि हम एक मुस्त तरीके से जूता मंडी पर इकट्ठा होंगे और वहाँ से एक विशाल जुलूस के रूप में हम श्री मंदिर पार्क पहुँचेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे कि टैक्स 12% से 5% किया जा सके, जिससे आगरा में जूता उद्योग आगे बढ़े और खुशहाली आ सके। इस समय बहुत परेशान है जूता उद्योग, बहुत बदहाली का शिकार है। देखिए, आगरा शू फैक्टर फेडरेशन के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष से समस्त जो जूता व्यापारी हैं, कारखानेदार हैं, दस्तकार हैं, कारीगर हैं, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, कंपोनेंट ट्रेडर्स और भी जो इस जूता कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी लोग 2 सितंबर 2024 को सुबह 11 बजे श्री राम मंदिर पार्क जयपुर हाउस पर इकट्ठा हो रहे हैं, जिसके तत्वाधान में कल हमारी आगरा की जितनी भी जाटव समाज की
जो प्रमुख संगठन है, भीमवा व्यापार मंडल के जितने भी साथी संगठन हैं एवं जितने भी बहुजन समाज के संगठन हैं, कल उनकी एक बैठक जूता मंडी शू प्लाजा कोटी मीनाजार पर हुई थी और बहुत ही सार्थक सिद्ध हुई। सब लोगों ने एक आवाज़ में अपनी एकता का परिचय देने का वादा किया है। और इस अवसर पर मुख्य रूप से सचिव नरेंद्र पुरसनानी, कोषाध्यक्ष दिलप्रीत सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वासु मूलचंदानी, विशेष सलाहकार अजय महाजन, धनश्याम दास रोरा, प्रमोद महाजन, प्रदीप कुमार पिप्पल, चंद्रवीर सिंह फौजदार आदि उपस्थित। अध्यक्ष विजय सामा ने बताया कि 9 सितंबर को जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग होने जा रही है। फिटनेस कमेटी में हमारे एजेंडे को स्वीकार कर लिया गया है। कई दस्तावेज मांगे गए हैं जो हमारे द्वारा पहुंचा दिए गए हैं। उम्मीद है सरकार हमारी जायज बात को मानेगी। जूते पर से जीएसटी को 12 से हटाकर 5% करवाना हमारी मांग नहीं बल्कि जरूरत है। छोटे कारीगरों सहित जूता उद्योग से जुड़े सभी लोगों पर रोटी का संकट आ गया है। देश में जूते की सबसे बड़ी मंडी आगरा में लगभग 40 से 45 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी। मून न्यूज के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट।